अगस्त्य मुनि से लगभग 13 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद एक बेहद खूबसूरत गांव है खालियों। लेकिन पिछले करीब 15 सालों से यहां हर रोज़ पानी के नल पर ताला लगा दिया जाता है, जिसके चलते यहां के लोग परेशान हैं। खालियों गांव पहुंचे गोनी संवाददाता रमन ममगई ने यहाँ गाँव वालों से बात कर ताला लगाने की वजह जानी। ये खालियों गांव है और यहाँ पानी के नल पर ताला लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि पानी के नल पर ताला क्यों है। दरअसल परेशानी इस बात को लेकर है कि सालों से ये पूरा का पूरा गांव पानी के संकट से जूझ रहा है, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। महावीर सिंह नेगी जी हैं। नेगी जी, ताला क्यों लगा दिया नल पे? ताला सर, ये गाँव में जो है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, पानी बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल एक थोड़ा बूंद बूंद गिरता है, इसको इकट्ठा करते हैं और लोगों को एक एक डब्बा बांटने के लिए, जितना भी बांट पे आए, एक बाल्टी हो एक डब्बा हो, इस वजह से ये ताला लगा है जिससे किसी व्यवधान न हो गांव में। और ये स्थिति इस गांव की है आज से नहीं सर, ये कम से कम 15-20 सालों से यही स्थिति है। शासन प्रशासन के बाद जाते जाते हम थक गए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई ठोस व्यवस्था यहाँ के लिए नहीं हो पाती है। अभी DM साहब ने खच्चरों से व्यवस्था की है, उससे क्या होने वाला हमारा? फिर भी मतलब एक डिब्बा पानी वो खच्चर से मिलता है और एक डिब्बा यहाँ से, एक डिब्बा यहाँ से, एक खच्चरों से और एक डिब्बा इस टैंकी से। वो भी कुछ दिन में अगर यही स्थिति रही तो ये इसमें से एक बाल्टी मिलेगी सर। किस तरह का जीवन हो गया, किस तरह की परेशानियाँ? परेशानियाँ सर, यहाँ तो ऐसा है कि हमारी जिंदगी तो नरक है, ना तो यहाँ सड़क है। शासन से हमने कई बार मांगी कि हमें चलो सड़क दे दो, टैंकर से पानी आ जाएगा, वो भी यहाँ नहीं है व्यवस्था। सरकार ने हमारे आज तक किसी प्रकार से कहीं नहीं सुनी है। ये गांव है, क्या जो गांव है लगातार पानी की समस्या से जूझ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टिब्बा पानी मिलता है और बेहद खूबसूरत गांव है, चारों तरफ से बांझ और बुनास के जंगल के बीच बसा हुआ। और जब हम बात करते हैं हिमालय की बचाने की, तो हम साथ साथ बात करते हैं हिमालयी लोगों को भी बचाने की, सहेजने की। और अगर यही हालत रहेंगे तो ये खूबसूरत गाँव भी खाली होता चला जाएगा, घोस्ट विलेज में तब्दील हो जाएगा। कालू गांव से रमन ममगाई, वो न्यूज़ के लिए।